हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांट हम लाए थे ज्ञानपुर से। ये सूरजमुखी का प्लांट है क्या दोस्तों? फ्लावर खिला था इसमें, बहुत सुंदर फ्लावर खिला था सूरजमुखी का। कि डहेलिया का? डहेलिया का है क्या? तो जो अब हमारे यहाँ बेटी की मेरी शादी हुई थी दोस्तों, छोटी वाली बेटी की, इस बार तो पंडित जी फ्लावर मांगे थे तो छत पर से मेरी बहन तोड़ के लाई थी। एक फ्लावर में पूरा, जैसे कि पूजा पूरा कर लिए, थोड़ा थोड़ा पत्ती उसमें जैसे चढ़ा चढ़ा के पूरा पूजा समाप्त हो गया। तो पंडित जी, हम लोग ही कथा सुने थे दोस्तों, हमारे हस्बैंड और हम। उस बार मेरी सासू माँ थी, तो वो मेरे ससुर और मेरी सासू माँ सुनी थी बड़ी वाली बेटी में। तो इस बार मेरी मम्मी बोली कि तुम लोग जब हो, तुम लोग अपनी बेटी का कन्यादान करो। तो हम हस्बैंड वाइफ, हम ही दो लोग ने कथा सुना था किसी दूसरे को। जैसे एक जेठ थे तो गांव में रहते थे, तो हम लोग सोचे उन्हीं से हम लोग करवा देंगे। तो मम्मी बोली नहीं, बड़े भाग से सब लड़की का कन्यादान करते हैं अपने, तुम लोग अपने बेटी का कन्यादान तुम लोग ही करो। तो पंडित जी बोले कि एक फ्लावर में देखिए आप लोगों का पूजा समाप्त हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुआ दोस्तों कि अपने गार्डन के फ्लावर से हमारे यहाँ कथा हम लोग सुने थे। ये देखिए दोस्तों, ये गुलाब, इसमें का जो सूखा सूखा पत्ती था आज काटे हैं, गुड़ाई किए हैं। ये देखिए, इसमें पूरा जो प्लांट मेरा था ना, इसी में गाड़ दिए हैं। ये भी किसी फ्लावर का है, अब याद नहीं है नाम, मुझे इंग्लिश वाले फ्लावर का नाम अच्छे से नहीं मालूम रहता। ये टमाटर अपने आप उग गया है इसमें, और ये देखिए सदाबहार का एक इसमें डंडी गाड़े हैं। आज सुबह हम काम मंजन कर रहे थे तो देखे बहुत लगी लगी इसका, जैसे कि प्लांट का ये डंडी हो गया था और छत पे था, सूख रहा था, तो इसको नीचे हम उतार के लाए। तो भिगो के रखे थे पानी वानी डाल के, जैसे इसमें नमी नीचे रख के, तो आज इसका छटैया किए हैं। अब इसको छत पे अभी नहीं ले जाएंगे, रूट बाउंड भी हो गया है दोस्तों। इधर देखिए टमाटर का प्लांट, अभी इसको देखिए पानी में ही रखे हैं। ये देखिए नया नया इसमें जड़ भी निकल रहा है, पता नहीं फरेगा कि नहीं। सब कहते हैं गर्मी का टमाटर दूसरा होता है, लगा के छाया में रख देंगे। ये मिट्टी जब हम लाए थे, और टुक टुक भी गया था हमारे संग जहाँ पे ईटा पथा रहा था दोस्तों, तो डब्बे में मिट्टी भर के रखे थे बांस गाड़ने के लिए। तो मेरी मम्मी बोली कि एक बड़ी बाल्टी थी उसी में सब बांस गड़वा दी थी, तो सब डब्बे का मिट्टी मेरा वैसे रखा रह गया। तो वही मिट्टी लाए थे बच्चों को खेलने के लिए, तो सब भिगो के सान के देखिए गोला गोला बनाए हैं ये लोग। तो हम बोले कि चिड़िया बनाओ, तो वो लोग बोले कि हमको चिड़िया नहीं बनाने आ रहा है। तो एक चिड़िया हम बना के उन लोगों को बताए हैं। देखिए मट्टी सान रहे थे, उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, सब हाथ हो धूल के बना के गए हैं। इसी तरह से हम बनाए थे कि बनाओ दिख दिख के, सब गोली गोली बना दिए। अब दोपहर में खाली पाएंगे तो उनका अच्छे से चिड़िया बना देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये लाए हैं अपने मायके से पुदीने का। ये मेरे भाई का जैसे बेटा लाया था पुदीना, उस दिन जो प्रजापति परिवार लोगों का जैसे वो था, मीटिंग था, तो मेरे घर से, मायके वाले घर से कुछ दूर पे सब खाना वाना खाए थे। खाना बना था हमारे यहाँ, जैसे मायके में ही खाना बना था। तो मीटिंग इस चीज़ का था कि जैसे कोई गरीब वरीब है हम लोगों की बिरादरी में, तो सब मदद करने के लिए सब मदद कर किया करेंगे। तो सब हमारे हस्बैंड भी गए थे, मेरे भैया भी जुड़े हैं, वो भी जुड़े हैं, यही सब। अब ये देखिए, ये भी लगाए थे, आज ही लगाए हैं कटिंग। ये टूटा हुआ लाए थे मटका वहाँ से, बनारस से। आज हम सोचे इसको इसी तरह से गाड़ दे, बस मेरी बेटी आ गई दोस्तों। रविवार को हम मायके गए थे, मम्मी बोली कि अभी करे खरवास चल रहा है, जैसे इसमें विदाई नहीं होता है, नहीं लाया जाता है, नया शुभ काम नहीं होता है। तो लेकिन मेरी बेटी के ससुराल वाले बोल रहे थे कि जैसे चढ़ती का नहीं लिया जाता, तो फिर वहाँ वाले विदाई करने के लिए राजी थे, लेकिन मेरी मम्मी ऐसे बोल रही थी तो हम लोग का भी मन नहीं किया। लेकिन मेरी बेटी की बड़ी वाली बेटी के ससुर जो थी, सास थी, वो बोली कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उनके ससुर बोले कि
जैसे आप अपनी बेटी को ला सकते हैं, मायके में बेटी आ रही है, और बहू को जैसे बहू नहीं, बहू को कोई नहीं ला सकता, तो इसलिए मेरा बेटा भी रास्ते में कहने लगा जब हम लोग भदोही पहुँचे, जैसे मायके से जब आ रहे थे भदोही पहुँचे, तो बेटा बोला मम्मी कह रहे जाओ दीदी को लाओ, अब वो लोग विदाई कर रहे हैं तो नहीं ला रही हो, फिर ऐसे कभी नहीं ला पाओगी जल्दी। तो मेरा भी मूड जो है किया कि हाँ सच कह रहा है, क्योंकि नहीं लाओगी तो वो कहें क्यों नहीं ला रही हो, तो बताने लगे कि नानी ऐसे ऐसे कह रही है तुम्हारी, कहे नहीं नहीं लाओगी तो वो वहीं बीमार हो जाएगी, उसको लाओ। एक महीना हो गया था दोस्तों, तो हम लोग रात को लेके आए अपनी बेटी को। जब मेरी बेटी आई तो फिर सुबह जैसे कि माँजने वाली भी आने लगी है। अब सोच लीजिए जब नहीं थी तो दोनों नहीं थे, आए तो दोनों संग संग आ गए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। ससुराल दोस्तों, ससुराल ही रहता है, जैसे ससुराल मायके की तरह नहीं होता है। अब ससुराल में तो जैसे हर काम करना पड़ जाता है, बहू इनकार तो नहीं कर सकती कि मैं ये काम नहीं करूँगी, मायके में तो मम्मी से कह देगी कि हम नहीं करेंगे, लेकिन ससुराल में नहीं कोई कर सकता। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।